हेलो दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खास और आसान मिक्स वेज की तवा ग्रेवी की सब्जी बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फिर चले दोस्तों, वीडियो शुरू करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी सब्जी के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में ग्रेवी बना लेंगे। तो उसके लिए पैन में लगभग 4 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल गरम होते ही 2 तेज पत्ता डालते हैं और 5 लवंग को डाल देंगे। इसी के साथ साथ 4 हरी इलायची को भी ऐड करेंगे। यह है दालचीनी, आप डालते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद डाल देंगे स्लाइस में कटा हुआ एक बड़ा सा प्याज। तो प्याज के पीछे पीछे नमक डाल के इनको थोड़ा सा भून कर लेंगे, यानी कि प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने देंगे। आप डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला। इन मसालों को भी तेल में थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे। अभी डालेंगे टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर को रफली काट के लिया है। तो ऊपर से थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के बिल्कुल ही थोड़ा इसमें चम्मच चला लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह रेस्टोरेंट में सबसे पहले ऐसे एक साथ ग्रेवी बनाई जाती है और उसके बाद उस सब्जी के फ्लेवर के अनुसार उसमें ड्राई मसाले डाल के सब्जी को बनाया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें लगभग 1.5 कप पानी डाल देंगे और थोड़ा चम्मच चला के पैन को ढककर गैस का फ्लेम मीडियम स्लो करके इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। पाँच मिनट के बाद ढक्कन को निकाल के इसमें डाले हुए तेज पत्ता को और दालचीनी को निकाल के लेंगे। अभी हम इसका थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस कर लेंगे। ये देखो आप, मैंने पीस कर ग्रेवी को तैयार कर लिया है। इसी तरह आप इस ग्रेवी को बना के इसे स्टोर कर सकते हो और मन चाहे कोई भी वेज सब्जी फटाफट आप इस ग्रेवी से बना सकते हो। इस ग्रेवी को फ्रिज में 4 दिन और बाहर 2 दिन आराम से स्टोर कर सकते हो। तो अच्छा, तो अभी हम तवे पे 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो जिन वेजिटेबल को पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उन वेजिटेबल को हम सबसे पहले फ्राई करके लेंगे। तो उसमें है बीन्स, गाजर, आलू, इन सभी को मैंने लंबे शेप में काट के लिया है। चाहे तो आप इसे छोटा छोटा भी काट के ले सकते हो और मेरा तवा छोटा है इसीलिए मैंने वेजिटेबल क्वांटिटी में थोड़े कम लिए हैं। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए और उनको इस तरह थोड़ा फ्राई करें। हमारे वेजिटेबल थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी हम इन्हीं के साथ साथ थोड़े हरे मटर को डालते हैं और थोड़ी शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। इसके बाद स्वादानुसार नमक डाल के आलू बीन्स गाजर के साथ में इनको भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस वेजिटेबल थोड़े सॉफ्ट होने तक चम्मच चला लेंगे। जब यह सॉफ्ट हो जाए तो इनके साथ में पनीर ऐड करेंगे और थोड़ा चम्मच चला लेंगे। अब समय आ गया है जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसे डालने का।
इसमें मैंने लगभग आधी ग्रेवी डाल दी है और बाकी बची हुई ग्रेवी का मैं कोई और सब्जी बना लूँगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो तो बनाए हुए सारी ग्रेवी को डाल दीजिए, लेकिन ग्रेवी बढ़ाने के लिए पानी ना डालिए। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। ऐसे मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम तेज करके इसे 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट के बाद इसके ऊपर थोड़ी कसूरी मेथी को ऐसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे और थोड़ा धनिया पत्ता को डाल के थोड़ा मिक्स करके इसे सर्व करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।